पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में एक फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आवाजें आने लगी हैं कि आखिरकार एक बार फिर से हमें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया गया। इन नामों में सबसे पहले हैं अंबाला से 6 बार के विधायक अनिल विज का। वो अनिल विज जो गृह राज्य मंत्री, जो गृह स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अनिल विज का दर्द तब झलकता हुआ नजर आया जब उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा मुकाम नहीं पाया है मैंने, लेकिन मैंने किसी को गिराया भी नहीं है। यहाँ पर आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर मंडते हुए नजर आए। एक और चेहरा गुरुग्राम से चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद, राव इंद्रजीत का। वो राव इंद्रजीत जो केंद्र में बड़ी जगह चाहते थे लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिए जाते हैं। अनिल विज, राव इंद्रजीत, ये दो ऐसे चेहरे हैं 2014 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अनिल विज, राव इंद्रजीत के साथ 2014 में एक चेहरा सुर्खियों में आया था, वो था मनोहर लाल खट्टर का। वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं लेकिन ये दोनों फिर से गायब हो जाते हैं। फिर से मौका मिलता है 2019 में, और 2019 में देखा जाए तो फिर से यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर पर फिर से मोहर लगती है, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम कहीं भी नहीं आता है। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे और 2013 में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे, तो 2014 से उनकी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई। लेकिन 2024 आया, तख्ता पलट भी हुआ, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी टूटा, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत को आगे नहीं किया गया। नाम आ गया नायब सिंह सैनी का। अब नायब सिंह सैनी के खिलाफ राव इंद्रजीत और अनिल विज का गुस्सा तो जाहिर होता हुआ नजर आया जब राव इंद्रजीत ने ये तक कह दिया कि मैं बैठक में शामिल नहीं होऊंगा, मैं उम्रदराज हो चुका हूं, सीएम चेहरा तय कर लीजिए और सीएम जिताऊ होना चाहिए। वहीं अनिल विज का शायराना अंदाज में तंज भारतीय जनता पार्टी पर कसना यह दर्शाता है कि बड़ा कदम ये बड़े चेहरे दिग्गज चेहरे उठाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी टूट रही है? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वो सीटें हासिल कर भी पाएगी जो 2014 से लेकर अब तक जीतती हुई नजर आई है? क्या लगता है 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी क्या जीत की कगार पर भी पहुंच पाएगी, या उससे पहले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से गायब होते हुए ये सांसद विधायक नजर आएंगे? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।